धनबाद पुलिस ने जीटी रोड में डीजल चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की। पिछले दिनों 15 मार्च को गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुफलाडी में डकैती की योजना बनाने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि विगत 15 मार्च की रात्रि गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुफलाडी स्थित मेवात होटल के सामने बड़े खड़े वाहन ने अज्ञात अपराधियों के द्वारा डीजल की चोरी करने के दौरान वाहन चालक के हल्ला करने पर होटल कर्मी एवं अन्य चालक एकत्रित हो गए, जिसके बाद अज्ञात अपराधियों ने वाहन चालकों एवं एकत्रित व्यक्तियों को ऊपर फायरिंग करते हुए सेंट्रो कार से भाग निकले। भागने के क्रम में वहां एकत्रित लोगों ने पत्थर से मारकर सेंट्रो कार का शीशा तोड़ दिया। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी संजीव कुमार ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। सेंट्रो कार की टूटी हुई शीशा का सुराग मानकर छानबीन शुरू कर दी। सेंट्रो कार का शीशा बनवाने के क्रम में गिरोह के सदस्य को पकड़ में आया है। एसएसपी ने बताया कि एनएच पर आए दिन इस तरह के अपराधी गिरोह द्वारा गाड़ियों को लूटने का कार्य किया जाता है और लोगों के विरोध करने पर फायरिंग करके चालक को धमकी देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इस तरह के गिरोह की गिरफ्तारी भी जरूरी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और मैगजीन, एक जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 1 सेंट्रो कार, 1 स्पार्क कार एवं 2 अवैध पंजनीय प्लेट जब्त किए गए हैं। एक लूट की घटना घटी थी गोविंदपुर में 13-14 की रात्रि में। मेवात होटल है, फुफवाडी गोविंदपुर में पड़ता है। उसके कुछ गाड़ियों पहले ये लोग डीजल चोरी करते हैं। डीजल जब वो निकाल रहे थे, कुछ लोगों ने, खासकर होटल वाले ने जब देख लिया तो इन लोगों का पीछा कि ये लोग प्रॉपर कार में थे, सेंट्रो कार थी। इन लोगों ने वहाँ फायरिंग पर फिर भी लोगों ने किया, कुछ पत्थर मारे तो उसके जो सेंट्रो कार थी, सेंट्रो कार का शीशा टूट गया। उसका पुलिस को ये पता चला, ये सारा घटनाक्रम, पुलिस तुरंत पहुंची। हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। इसमें एक टीम, विशेष टीम थी जो SP1 अमर के नेतृत्व में अफसर इंजा गोविंदपुर और अफसर बरवाड्डा मुख्यतः शामिल थे और इंस्पेक्टर बरवाड्डा भी इसमें सहयोग करे। इन लोगों ने कांड के अनुसंधान में जब हम लोगों ने ये पता कराया पूरे धनबाद क्षेत्र में, जब ये फ्लैश किया गया कि सेंट्रो कार है जिसकी टूटी हुई, जिसका टूटा हुआ शीशा को लेकर के हम लोगों ने उसकी खोज प्रारंभ की, तो पता चला नहीं ये लोग फिर से दोबारा डकैती करने का की योजना बना रहे हैं। उसी योजना के तहत फिर हम लोगों ने अपना जाल बिछाया और जिसमें ये 5 अपराध कर्मी जो इस लूट में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई और इनके पास से जो वो कार थी जिसका शीशा टूटा हुआ था, ये लोग कोशिश कर रहे थे उसको बनवाने का, वो शीशा, वो कार भी बरामद हुआ। उसे एक कवर लेकर पास से यार बरामद हुआ जिसमें मोस्ट की नोटिस भेज और तरह के जो मोबाइल सब बाकी ये बात पर दी रहा टुंडी कर रहा है का ओम प्रकाश जवाहर, ये जयनगर टोला हमारा बरवट रहने वाला है। दीपक कुमार सिंह, ये नया डी के रहने वाला है। पंकज कुमार महतो, ये गोरगा बरवाड्डा का रहने वाला है। और कलीम मियाँ, ये संभारी बस्ती बरवाड्डा का रहने वाला है। ये 5 अपराध कर्मी के आपराधिक इतिहास भी हैं। इसमें प्रदीप हाजरा, ओम प्रकाश रजवा, ये लोगों के खिलाफ पूर्व में भी लूट के कांड रहे हैं। बरवड्डा में भी ये चोरी का और आम सेक्टर केस का वारंटी रहा है। क्योंकि ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि NH लोग क्राइम करते हैं, खासकर तो रुकी हुई गाड़ियाँ होती हैं, उनसे कभी चोरी कर लेना, और जब कोई इनका विरोध करता है तो क्योंकि इनके पास हथियार भी रहता है, ऐसे क्रम में ये फायरिंग करके लोगों को धमकी भी देना और लूट का प्रयास NH